तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे एक्सेल में, ये आज का हमारा टॉपिक है। जान लीजिए कि कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे एक्सेल में दो तरह की चीजें होती है। पहला, जैसे मैं यहाँ पे 20 और यहाँ मान लीजिए 30 है, मुझे इसको सम करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम का, जिसे इसको सम कर सकते हैं। तो जो सम का फॉर्मूला है, इनबिल्ड फॉर्मूला है, माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ड करके आपको दिया है। दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे 20+30 को करूं और फिर एंटर मारूं तो रिजल्ट 50 आ जाएगा। तो जो प्लस का सिंबल है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहा है, तो सर ये प्लस का सिंबल लगा हुआ है, मतलब कि हम मैथमेटिकल सिंबल जो होते हैं, जो जिसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं, उसका यूज कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। तो कितने तरह के होते हैं आपके सामने, मैंने अभी टाइप किया, ये आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये आपका पावर। जैसे मुझे 10² निकालना है, इक्वल 10 और ये दे दूंगा और 2, तो ये आपका 10² हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब मेरे पास इनबिल्ट फॉर्मूला सम का है, तो हम क्यों यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करें। तो बात है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको जो इनबिल्ट फॉर्मूले दिए हैं वो लिमिटेड है, राइट। अब ऐसा नहीं कि आपके हर तरह के काम के लिए इन फॉर्मूला इनबिल्ड हो। जैसे मान लीजिए Q1 है हमारे पास और Q2 है, Q1 50 और Q2 की 60 सेल है, तो मुझे इसकी ग्रोथ निकालनी है। अब ग्रोथ के लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन हमें पता है कि ग्रोथ के लिए एक मैथमेटिकल रूल है, वो है कि लेटेस्ट माइनस Q2 माइनस Q1, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, मतलब कि Q2, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है हमारा। अब इसी चीज को यहां सिंपल करेंगे इन द ब्रैकेट कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, राइट, और एंटर प्रेस किया। इसको सिलेक्ट करके मैं यहां जा रहा हूं और यहां पे परसेंटेज का सिंबल दे दिया, 20% आ गया। अब ग्रोथ के लिए फॉर्मूला हो सकता ना हो सकता हो, लेकिन मुझे अपनी कैलकुलेशन पे करनी है। कभी कभी क्या होता है कि इनबिल्ट फॉर्मूले की कैलकुलेशन हमें समझ में नहीं आती, हमारे पास खुद का कैलकुलेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट विथ अमाउंट निकालना है। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल है आपकी 50,000, रेट है आपका मान लीजिए 5% ईयरली, और टाइम है मान लीजिए 4 साल, क्या अमाउंट होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हालांकि एफडी का फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कि एफडी की जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में मेरा थोड़ा बहुत चेंजिंग है। तो मेरा कैलकुलेशन ये है कि ए इक्वल टू, मतलब अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। अब ऐसा नहीं है केफ अली जी और अखिलेश जी, ऐसा सोचिए कि मैं मैथमेटिकल क्लास शुरू कर दिया तो पूरा जी पूरा स्कूल लाइफ मैथमेटिक्स से भागता रहा और यहां भी पकड़ के आ गया। ठीक कोई नहीं सर, कोई नहीं, ठीक है सर। है, तो हाँ ठीक है, जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ना कि आप अपने ऑफिस में हैं, आपकी अपनी एक कैप रेट की कैलकुलेशन है, अपना एक कमीशन का कैलकुलेशन है, या आपके इंसेंटिव पे एक अलग कैलकुलेशन है, तो उस समय ये फीचर्स आपको काम आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम अगर पेन कॉपी से करते हैं तो इसको इसको हम कई स्टेप में कैलकुलेट करते हैं, अब यहाँ एक्सेल पे कैसे करें। तो यहां भी हम कई स्टेप में करेंगे। सबसे पहले जो बीच वाला है इसको करेंगे कि इक्वल 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन। अब इसको हमने ब्रैकेट क्यों लिया, एन मतलब 12 मान लीजिए, ब्रैकेट क्यों लिया, देखिए जब भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो ब्रैकेट में कीजिएगा ताकि बोर्ड मास मेथड को फॉलो करता रहे। तो 1 प्लस B10 डिवाइड बाय 12, रिजल्ट आ गया आपके सामने। एंड इनका पावर नेक्स्ट क्या है, टी मल्टीप्लाई बाई एन, मतलब कि टाइम मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ में निकालना है, तो मंथ 48 मंथ आ गया। फिर इन दोनों का पावर लेना है, हमने पावर ले लिया, फाइनल रिजल्ट आया, उसको हम क्या करेंगे 50,000 से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आ गया 61,000।
44 रुपीज 77 पैसा। अब यहां पे दिक्कत ये आती है कि हमें इसको एक सेल में रखना है, लेकिन ये तो कई साल में आ गया ना। अब यहां पे एक नया चीज सीखेंगे, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। ऐसा मेथड कि आपके पास फॉर्मूले होंगे, अलग अलग तरह के फॉर्मूले होंगे। अब उन फॉर्मूले को आप एक साथ लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले को क्लब करें। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहां पे B12 एंड C12, तो B12 का फॉर्मूला हमने डबल क्लिक करके इक्वल के बाद से इसको कॉपी कर लिया। अब जहां B12 है उसके जगह पे ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहां पे C12 आया, C12 की को कॉपी किया, यहां C12 के जगह पे C12 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब मैं C12 को डिलीट कर सकता हूं। अब बात आती है D12 की को यहां से कॉपी किया इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के साथ कॉपी किया, और हमने यहां पे जहां पे D12 है वहां पे उसकी फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया। अब इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे इसको उठा के मुझे यहां लाना है। अब कॉपी पेस्ट करेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि जब भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी जो सीरीज है, मतलब आपका जो सेल रेफरेंस है वो चेंज होता है। जैसे मैं इसको यहां से कॉपी करके यहां लाऊं तो जो बी है वो ए बन जाएगा। तो लेकिन मुझे मूव तो करना है, तो आप कट करके रख सकते हैं या फिर यहां जाइए इसको उठा के इस तरह से मूव कर दीजिए या कट पेस्ट कर दीजिए। क्लियर है? ओके सर। डाउट किसी को? अखिलेश नहीं जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ठीक है सर। ठीक है ना? अब देखिए, अब क्या होता है कभी कभी YouTube पे भी अच्छे कमेंट करते हैं, सर इतना लंबा प्रोसेस क्यों जाना, छोटी सी कैलकुलेशन है, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड मैंने समझाया। अब एक और इसी मेथड पे अगर एक और एग्जांपल मैं दूं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कॉस्ट है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में 50 रुपीज का कॉस्ट हुआ, मुझे इसकी एमआरपी निकालनी है। तो एमआरपी कोई मैथमेटिकल ट्रिक्स नहीं है, सिंपल सा है कि भाई मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला कि भाई मैं अपने लागत पे 5% का प्रॉफिट लेके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने 52 रुपीज 50 रुपए में खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, अपने लागत पे 10% का कमीशन लिया और डिस्ट्रीब्यूटर इसको होलसेलर को दे दिया। होलसेलर ने क्या किया कि इसको 15% का कमीशन ऐड किया और दे दिया रिटेलर को। रिटेलर ने क्या किया, अपने खरीद पे और 20% का कमीशन ऐड किया और दे दिया मैन्युफैक्चरर। ठीक है? हाँ जी सर, हाँ ठीक है। अब सबको मर्ज करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, B14 प्लस C16। तो C16 पे आते हैं और C16 का फॉर्मूला यहां से कॉपी करते हैं, और C16 के जगह पे डिलीट करके ब्रैकेट में हम C16 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। मतलब C16 फ्री हो गया, इसको डिलीट किया जा सकता है। सेम यहाँ पे आते हैं C17, और जहां जहां C17 है उसके जगह पे C17 का फॉर्मूला पेस्ट किया। अब वन बाय वन इस फॉर्मूले को पेश करना है आपको, बस अब कुछ नहीं करना है। इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा।
यहां से इसको कट किया और यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब क्या लग रहा है इतना लंबा फॉर्मूला आप लिख पाते हैं? कैफ जी, हाँ जी सर, इतना लंबा फॉर्मूला डायरेक्ट लिख पाते हैं आप? नहीं सर, नहीं नहीं इसको क्लब करके ही लिख सकते हैं, अगर ऐसे करना हो तो नहीं कर पाएंगे। सर ये ट्रिक अच्छा है क्लब करना, ये फॉर्मूला मर्जिंग मेथड है सर, ठीक है। हाँ, ये मेरा इजाद किया हुआ है, अगर कहीं पे कोई आपको बताता है उसने मेरी वीडियो देख के नकल किया था, मैंने इसको प्रोजेक्ट में शुरू किया था। नहीं सर अमेजिंग है, अच्छा है, अच्छा लगा मुझे सुन करके। अब लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेटर के बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, राइट। मतलब कि अगर मान लीजिए कि किसी भी सेल में मुझे चेक करना है कि भाई इसमें से कौन ग्रेटर देन 50 है, तो जनरली आप इफ यूज करते हैं ना, बट इफ एनी चेक करने के लिए नहीं होता, चेक करने के लिए आप डायरेक्ट यहां लगा सकते हैं कि क्या एक ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब मुझे इस ट्रू एंड फॉल्स को अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई ए ट्रू है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या होता है जब लगाना होता है तो हम लोग डायरेक्ट इफ का फॉर्मूले के अंदर में ये लगा देते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमने लगाया है ये पार्ट ऑफ इफ है, ये इंडिविजुअल है, हम कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल है, कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी सर क्लियर है। और लॉजिकल ऑपरेटर आप यहां या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।